नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। कैसे हैं सभी? पता है अच्छे तो नहीं होंगे, क्योंकि जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी पिछले 9 महीने 10 महीने से लगातार करते आ रहे हैं, उसकी अभी तक शॉर्ट लिस्टिंग नहीं हुई है। और आपने पैम्पलेट भी देख लिया होगा किस मुद्दे पर मैं आपके सामने यहाँ पर आया हूँ। बहुत सारे बच्चों का अपना प्रयास है कि ट्विटर का एक अभियान हो कि मुख्य सेविका के एग्ज़ाम की डेट रिलीज़ की जाए। कितने दिन पहले से ये चलता चला आ रहा था कि दिसंबर में होगा, दिसंबर के बाद जनवरी में शॉर्टलिस्टिंग होगी, जनवरी के बाद अचानक से ये मोड़ आ गया कि नहीं, अभी इसमें पुराना भी विवाद है, पुराने जो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ग्रेजुएशन को लेके या एलिजिबिलिटी को लेके कुछ विवाद बीच में आया और उसके बाद इसे सॉर्ट आउट करके शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। लेकिन क्या अभी तक ये सारी चीज़ें आयोग के बीच में ही रह गई हैं? क्या ये बच्चों तक नहीं आएंगी? शॉर्टलिस्टिंग कब होगा? एग्ज़ाम डेट कब आएगी? और आखिर यूपी का बच्चा कब तक इंतज़ार करता रहेगा पहले फॉर्म भरने का, वैकेंसी निकलने का? वैकेंसी निकल जाए तो फॉर्म भरे, फॉर्म भरने के बाद फिर एग्ज़ाम डेट, और खासकर यूपी ट्रिपल एससी जैसे आयोग में जहां पे एक पीईटी कंस्टेंट लग गया है शॉर्टलिस्टिंग होने का, लास्ट टाइम तक तो क्लियर नहीं होता। बच्चा 10 महीने से इस उहापो की स्थिति में है कि मैं शॉर्टलिस्ट हो पाऊंगा, हो पाऊंगी या नहीं हो पाऊंगी, इस चक्कर में बच्चा फंसा हुआ है। उसकी तैयारी किस दिशा में जा रही है, इसको सरकार को इससे कुछ भी लेना देना नहीं है, शासन को कुछ भी लेना देना नहीं है। और सबसे जो गंदा आयोग बोला जा सकता है यूपी ट्रिपल एससी आयोग, अभी तक का सबसे निकम्मा आयोग साबित हो रहा है लगातार। बच्चों, अगर हम चुप बैठे रहे, हम अपनी आवाज़ दबा के बैठे रहे, हम अपने बारे में जागरूक नहीं हुए, तब तो ये सरकार, ये शासन, ये आयोग हमारा ऐसे ही शोषण करती रहेगी। और शायद एक साल के अभी में बहुत सारे यूपी ट्रिपल एससी की तो बहुत सारी जॉब ऐसी हैं जो 8वें साल, यकीन मानिए 7वें 8वें साल भी क्लियर नहीं हो पाई हैं। और क्या आप भी उन्हीं बच्चों की तरह बनना चाह रहे हो जो आज से फॉर्म भरने के बाद, 7 साल तैयारी करने के बाद 8वें साल अपनी ज्वाइनिंग के लिए इंतजार करने वालों में से अपना नाम दर्ज कराने चाह रहे हो? तो आप चुप बैठो, वरना एक छोटा सा संदेश इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके लेके आया हूँ आपके लिए। बहुत सारे बच्चे कल यानी कि 13 मार्च को सुबह 10 बजे से ट्विटर अभियान में जुड़ रहे हैं। और इस ट्विटर में, जो कि मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो हैशटैग है किस पे वर्क कर रहे हैं कि रिलीज यूपी मुख्य सेविका एग्जाम डेट, एक बार इसे ध्यान से देख लीजिएगा, वीडियो का डिस्क्रिप्शन पड़ा होगा, उसे कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा। कल सुबह 10 बजे से आप सभी को लगना है, आपके हक की लड़ाई है। अगर आप शांत बैठ गए तो शायद हम लोग भी कुछ नहीं कर पाएंगे और आपको भी हाथ में कुछ नहीं लगेगा सिवाय इंतजार के। और वो इंतजार 1 साल 2 साल 3 साल 7 साल कब कितना होता है ये कोई पता नहीं होगा, इसलिए आपको आवाज उठानी पड़ेगी। और अगर ट्विटर से नहीं मानता है तो आप जाइए आयोग के सामने 8, 10, 15, 20 की संख्या में, वहां पे धरना प्रदर्शन करिए कि आखिर ऐसा क्या है कि एग्जाम की डेट, वहां पे वैकेंसीज भी है, अधियाचन भी है, यहां पे हमने फॉर्म भी भर दिया है, और इसके बाद भी हम कितना पढ़े, क्या पढ़े, कहां से पढ़े, जो हम कितना इंतजार कर लें, किस चीज के लिए हम पढ़े रहें, और हमारा आखिर वो एग्जाम कब होगा, कब रिजल्ट आएगा, कब हमें नौकरी मिलेगी। तो कल सुबह यानी कि 13 मार्च को 10 बजे सभी को लग जाना है। आपको बता दूं, ट्विटर जो भी चला रहे हो वो तो बहुत बढ़िया बात है, जो ट्विटर नहीं चला रहे हो बहुत आसान सी चीज होती है, घबराने नहीं है, क्योंकि इसमें मुख्यतः महिलाएं हैं। लेकिन महिलाएं, अगर आप सक्षम नहीं हो या आपको दिक्कत आ रही है, तो आप अपने, अगर आप शादीशुदा हो तो अपने हस्बैंड को बोलिए, अपने पति को बोलिए, आप अगर घर में छोटे भाई बड़े भाई हैं उनसे बोलिए, अपने पापा से बोलिए, जो भी आपके इर्द गिर्द दोस्तों में जानकार हो उन सबसे बोलिए। केवल आपके अपने करने से नहीं होगा, क्योंकि मैं क्या बता दूं, 2600 लगभग पद है, लगभग 45-46 हज़ार के और फॉर्म पड़े हैं। 45-46 हज़ार में अगर मैं बोलूं कि एक्टिव जो बच्चा होगा वो 1% भी ढंग से नहीं होगा, 1% मतलब आप समझ रहे हो कि 460-450 बच्चे भी एक्टिव नहीं होंगे, तो इतनी कम संख्या में आपका एक्टिव होना शायद इस अभियान को भी फेल कर देगा। इस कारण से अभी भी आपके पास 12 घंटे से कहीं ज़्यादा 15-18 घंटे हैं, और इनमें आप अपने इर्द गिर्द जितने भी लोग, जानकार लोग हों, आपके छोटे भाई बड़े भाई, आपके पति पापा, जो भी आपके हों यार दोस्तों, उन सबसे बोलिए। ये केवल आपसे नहीं हो पाएगा, अन्य लोगों से भी साथ में प्रोवोक करिए कि वो कल को 10 बजे ट्विटर खोल के बैठे, अकाउंट नहीं बना है तो अकाउंट बना के बैठे, ट्विटर ऐप इंस्टॉल करके बैठे, और उसके बाद 10 बजे ट्वीट करना शुरू कर दे। जितने कम समय में जितनी ज़्यादा ट्वीट हो जाती है, ऐसा समझिएगा ट्विटर का ये नहीं है कि पता लगे आप ट्वीट कर रहे हो, कोई दूसरा 1 घंटे बात कर रहा है, फिर 3 घंटे बात कर रहा है। शुरुआत के 10-15 मिनट में अचानक से फ्रीक्वेंसी जितना ज़्यादा इस हैशटैग की हो जाएगी, उतनी ही जल्दी ट्रेंड कर जाएगा, और अगर ट्रेंड नहीं किया तो फिर सारी मेहनत भी बेकार हो जाएगी। तो जो बच्चे इसमें प्रयास में मेहनत कर रहे हैं उनका साथ दीजिए, अपने घर वालों का भी, अपने दोस्तों को भी साथ लाइए, ट्विटर पर इसको करिए, साथ में ही टैग करिए डिफरेंट न्यूज़ चैनल को,
को, जैसे एनडीटीवी हो गया या फिर रवीश जी हो गए, उनको आप टैग करिए, या फिर जो भी ऐसे चैनल हैं आज तक को भी करिए, जी न्यूज़ को भी करिए, आप किसी चैनल को मत छोड़िए जो गवर्नमेंट है या जो अपोजिशन में है, आप सपा पार्टी को करिए, माननीय अखिलेश को करिए, माननीय योगी जी को करिए, अवनीश अवस्थी को करिए, योगी जी के जो सचिव हैं ब्रजेश पाठक जी को करिए, जिनको भी आप वहाँ पर कर सकते हैं सबको टैग करिए ताकि सब तक बात पहुँचे, यूपी गवर्नमेंट को करिए, मोदी जी को करिए कि आखिर उत्तर प्रदेश के युवा, उत्तर प्रदेश के छात्र कब तक इंतजार करते रहेंगे। और ये छोटा सा संदेश मैं जरूर चाहूंगा कि आप लोग इसे सफल बनाओगे इस मुहिम को, और इससे कहीं ना कहीं सरकार तक ये बात पहुंचेगी और आपको बहुत जल्द मुख्य सेविका के एग्जाम के डेट की भी खुशखबरी सुनने को मिलेगी। तो इस सेशन में बस इतना ही, आप लोग इसको जरूर करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करिए ताकि जो आवाज़ है आप लोगों की, आवाज़ मेरे माध्यम से आपके दोस्तों तक अगर पहुंच जाती है तो एक सहयोग मेरा भी रहेगा आप लोगों के सफलता में, आप लोगों को एक सही रास्ता तक पहुंचाने में, आप लोग को आपकी मंजिल तक पहुंचाने में, और यही टीम परीक्षा प्लस के लिए हमेशा सबसे अच्छी बात रही है और सबसे खुशी वाली बात रही है। फिर मिलेंगे कल, हम लोग भी इसे ट्वीट करेंगे, आपके साथ रहेंगे, उसके लिए परेशान मत होइए, जैसा भी होगा पूरा हम लोग गाइड करेंगे। बाकी बच्चे जो ग्रुप बनाए हुए हैं उनसे आप लोग कॉन्टैक्ट करिए, डिस्क्रिप्शन में उनके भी चैनल का मैं लिंक लगा दूंगा ताकि आप वहां से, टेलीग्राम चैनल है वहां से आप जुड़ के और उनके भी साथ मिलके और इस मुहिम में आप लोग पार्टिसिपेट करिए और इसे सफल भी बनाइए। फिर मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सभी का।